माहवारी यानी कि पीरियड महिलाओं व लड़कियों में होने वाली एक नेचुरल क्रिया है, जिसे जानने के लिए हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे पीरियड यानी माहवारी क्या होती है, पीरियड क्यों और कैसे होते हैं, पीरियड्स लड़कियों में ही क्यों होते हैं, क्या लड़कों को भी पीरियड्स आते हैं, लड़कियों को किस उम्र में व कितने दिनों के बाद पीरियड्स आते हैं। ऐसे ही कई सवालों के जवाब लेकर आया हूँ, तो कृपया कर वीडियो को पूरा देखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पीरियड होता क्या है। लड़कियों के शरीर में होने वाले वाले बदलावों के दौरान रक्तस्राव का होना पीरियड कहलाता है, जिसे आमतौर पर माहवारी, मासिक धर्म और ऋतुस्राव कहते हैं। आप जानते हैं कि पीरियड्स क्यों और कैसे होते हैं। जब लड़कियों में उम्र के एक पड़ाव पर शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे जनन अंगों का विकसित होना, स्तनों में उभार आना, शरीर पर हल्के हल्के बालों का उगना आदि, यह सब लक्षण एक लड़की के वयस्क यानी जवान होने के होते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब लड़की में एक बच्चे को जन्म देने के लायक शरीर में विकास हो जाता है, तब पीरियड्स का आना शुरू होता है, जिस क्रिया में अंडाशय में दो अंडाणु बनते हैं, और जब ये अंडाणु नर शुक्राणु के द्वारा निषेचित नहीं होते हैं, तब इन अंडाणुओं में से एक अंडाणु योनि मार्ग के द्वारा रक्त सहित बाहर निकलता है, जिसे हम पीरियड के रूप में जानते हैं। इसीलिए लड़कियों व महिलाओं में पीरियड्स होते हैं। यह तो बात हो गई कि पीरियड्स क्यों और कैसे होते हैं, पर सवाल यह उठता है कि क्या लड़कों में भी पीरियड्स होते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। लड़कियों में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ये हार्मोन्स लड़कों में नहीं पाए जाते हैं, और तो और लड़कों में अंडाशय की जगह शुक्राशय होता है, जहां पर शुक्राणु मौजूद होते हैं, जो निषेचन अथवा संभोग क्रिया के दौरान अंडाणु से क्रिया करते हैं। तो दोस्तों, अब आपने जान ही लिया कि लड़कों को पीरियड्स क्यों नहीं होते हैं। अब चलते हैं आपके आखिरी सवाल की तरफ कि लड़कियों में पीरियड्स कितने दिनों तक चलते हैं, कितने दिनों के बाद दोबारा शुरू होते हैं और किस उम्र की लड़कियों में यह शुरू होते हैं। सामान्यतया एक लड़की में यह 3 से 5 दिन तक चलते हैं, तथा दोबारा होने में इन्हें 21 से 35 दिनों का समय लगता है। कुछ लड़कियों को इस दौरान ज्यादा रक्तस्राव व ज्यादा दर्द होता है, जबकि कुछ को कम रक्तस्राव व कम दर्द होता है। जब लड़की की उम्र 10 से 12 साल की होती है, तब यह होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। बाकी हम लड़कियों के फैक्ट्स के बारे में कई वीडियो बना चुके हैं, उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर आकर उन्हें देख सकते हैं। आपको बिल्कुल नई व रोचक जानकारी मिलेगी। जल्द मिलता हूँ नई जानकारी, नए फैक्ट्स के साथ। जय हिंद।